देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में हिजाब को लेकर एक नया मुद्दा देश में गरमा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए देश के युवाओं को नसीहत दी है कि हिजाब की जगह देश का युवा सरकार से हिसाब मांगे। इसके अलावा और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, देश के अंदर जो इशू अब चल रहा है, पहली बात तो ये है कि किसी भी लड़की के पीछे 50-100 लड़के कोई भी वोटिंग करे, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, वो कोई मर्दानगी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि धार्मिक संस्थान अलग चीज़ होती है, स्कूल कॉलेज जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनको धार्मिक स्थल बनाने की ज़रूरत नहीं है या धर्म का अड्डा बनाने की ज़रूरत है नहीं। धर्म जहाँ तक बात है, धर्म दिलों में होता है, और धर्म जब दिल से निकल के दिमाग में आ जाता है तो फिर वो है धर्म ही करता है। मुझे लगता है कि चुनाव का टाइम है, और चुनाव के टाइम में तो हिजाब की जगह हिसाब की बात होनी चाहिए थी, सरकारों से हिसाब लेने की बात होनी थी। हिजाब की जगह तो जॉब की बात होनी चाहिए थी, कितना जॉब दी सरकार ने, कितनी जॉब देने की तैयारी कर रही है, ये होना चाहिए था। लेकिन देश में नौजवानों से खासकर ये अपील करूँगा, ये इन चक्रों में मत पड़ो, आप लोग हिसाब मांगो, अपनी जॉब मांगो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, नहीं तो ये नेता ऐसे ही बेकूफ बनाते रहेंगे और आप बनते रहना। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस मुद्दे का। ये मुद्दा सीधी बात है, ये हिसाब का और जॉब की बात होनी चाहिए थी। जिस तरह ये मुद्दा बनाया गया है ये ठीक नहीं है। कर्नाटक से निकल के राजस्थान में भी इस तरह के नहीं, ये तो देखिए वही चीज़ है ना कि धार्मिक चीज़ जब दिल में होनी चाहिए, दिल से निकल के दिमाग में आओगी तो ये तो पूरे देश में क्या है, पॉलिटिकल लोगों को तो चाहिए ना पहले तुष्टिकरण, और क्या होता है, यही तो तुष्टिकरण होता है। तो तुष्टिकरण का जो मामला है, इससे किसी को फायदा नहीं होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, किसी को फायदा नहीं होना। सब बेरोजगार हैं और लड़कियां सबके घरों में हैं, तो मुझे लगता है लड़कियों की, माताओं बहनों की तो सबके लिए इज्जत बराबर है, सबको करनी चाहिए। और शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक जगह ना बनाया जाए तो अच्छा है, बाकी अगर ऐसे ही चलते रहे मुद्दे तो ये तो देश के विनाश की तरफ है, सीधी बात है। वहीं जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं तो इसको राजनीति, खासकर जो बीजेपी है, इसको भुनाने में लगी हुई है। देखो वही तो बात है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो भुनाएंगे उसको, और जिस तरह से भुनाया जा रहा है उससे तुष्टिकरण होगा, तुष्टिकरण होगा तो सबका अपना अपना वोट बैंक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये चीज़ हो रही है, नौजवानों को सतर्क होने की ज़रूरत है, सबको भाईचारे से रहने की ज़रूरत है। इस तरह के मुद्दों को मुझे लगता है कि हवा नहीं देनी चाहिए। पहले नमाज, अब हिजाब, तो वही तो बात है ना, पहले नमाज हो, हिजाब हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये चीज़ें अपनी एक पर्सनल चीज़ हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, और व्यक्तिगत चीज़ों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूर। हिजाब को लेकर हरियाणा आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्म अपनी जगह है और शैक्षणिक संस्थान अपनी जगह, स्कूल और कॉलेज को धर्म का अड्डा ना बनाया जाए। वहीं किसी लड़की के पीछे 50 से 60 लोग वोटिंग करे वो मर्दानगी नहीं है, ये चुनाव के समय बेतुका मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को हिजाब की जगह सरकारों से हिसाब मांगना चाहिए, युवाओं को हिसाब नौकरियों का मांगना चाहिए। एक पार्टी ये मुद्दा चुनाव के समय उठाकर फायदा लेना चाहती है, नमाज हो या हिजाब हो, ऐसे में मुद्दा उठाना ही तुष्टिकरण है जो देश के लिए घातक है। सभी धर्मों में रहन सहन उनका व्यक्तिगत मामला है, इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।